का एक प्रसंग है, कविता है मेरी, बड़ी मेरे दिल के करीब है। मैं चाह रहा था कि सर के आशीर्वाद से यहाँ पे एक बार पढ़ूं कि टैंक बंड एक दर्शनीय स्थल है। बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, छोटी 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 बात रही। टैंक बंड एक दर्शनीय स्थल है, व्यस्त जीवन में खुशी का एक पल है। टैंक बंड एक दर्शनीय स्थल है, व्यस्त जीवन में खुशी का एक पल है। जीवन से तंग लोगों के लिए एक प्रमुख हल है। जीवन से तंग लोगों के लिए एक प्रमुख हल है। अब चूंकि हम यहाँ पे बैठे हैं विधाने में, यहाँ पे सम्मिश्रण की बात होती है, केमिकल की बात होती है। जीवन से तंग लोगों के लिए एक प्रमुख हल है, जिसमें निर्मल नहीं रसायन युक्त जल है। यहां कंक्रीट के जंगलों से रोज दो पाए जंतु जोड़े में आते हैं। यहां कंक्रीट के जंगलों से रोज दो पाए जंतु जोड़े में आते हैं। अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं, कुछ समय बैठते बतियाते हैं। यहां कंक्रीट के जंगलों से रोज दो पाए जंतु जोड़े में आते हैं। अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं, कुछ समय बैठते बतियाते हैं। इसमें राजनीतिक नहीं प्रेम के मसले उठाते हैं। सागर के बीचों बीच गौतम बुद्ध की मूर्ति है। सागर के बीचों बीच गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जहां पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति है। गौतम दिन रात एक कर अपना उपदेश सुनाते हैं, प्राणी को सांसारिकता का त्याग सिखाते हैं। परंतु उनकी बात सब तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि कलयुग में आध्यात्म की बातें किसको समझ में आती है मैंने किनारे पर देखा एक पत्नी अपने पति को कुछ बता रहे थे। मुझे तो पति पत्नी लगे। मैंने किनारे पर देखा एक पत्नी अपने पति को कुछ बता रही थी। वह बार बार गौतम की तरफ उंगली उठा रही थी। वह कह रही थी, देखो जो सांसारिकता का त्याग कर देते हैं वे इनकी तरह ही मझधार में होते। मैंने किनारे पर देखा एक पत्नी अपने पति को कुछ बता रही थी। वह बार बार गौतम की तरफ उंगली उठा रही थी। वह कह रही थी कि देखो जो सांसारिकता का त्याग कर देते हैं वे इनकी तरह ही मझधार में होते हैं। देखो जो पत्नी और गृहस्थी को भूल जाते हैं वे इनकी तरह ही काले पानी की सजा पाते हैं। मैंने देखा गौतम की मुखाकृति अत्यंत गंभीर थी। उनके अंतर में कलयुग की पीर थी। मैंने उनसे पूछा, क्या ये आरोप तथ्य सच्चे हैं? उनका बिल्कुल, कलयुग में सांसारिक तथ्य सच्चे हैं। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रोते हुए मुझे पत्र थमाया, अंतिम बार जहां को निहारा और हर बार की तरह हुसैन सागर में छलांग मारा। कई बार मूर्ति गिर चुकी है। मैंने गौतम को देखा मैंने उनकी व्यथा को देखा। गौतम ने कहा, बिल्कुल सच्चे हैं, कलयुग में सांसारिक तथ्य सच्चे हैं। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रोते हुए मुझे पत्र थमाया, अंतिम बार जहां को निहारा हुसैन सागर में छलांग मारी उन्होंने। मैंने पत्रक पढ़ा उसमें गौतम के हृदय की व्यथा थी। कलयुग में सांसारिकता की कथा थी। उसमें लिखा था कि मेरे ज्ञान प्राप्त के स्थान में परिवर्तन किया जाए। पुस्तकों में गया की जगह हैदराबाद लिखा जाए। क्योंकि हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम निधानी में आयोजित है, आप सबका स्वागत है। तो जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, कैसे मातृभाषा उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, माँ कैसे सिखाती है, उस पर मैं आता हूं।